ओडिशा में हुए रेल अपघात पर बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि यह देश की सबसे बड़ी घटना है। इसमें 250 के करीब लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग घायल हुए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखो, अभी 250 के ऊपर लोगों का उसमें ये छोटा छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। देश की नहीं तो दुनिया की सबसे बड़ी घटना है कि इतना बड़ा रेल एक्सीडेंट आज तक दुनिया में नहीं हुआ है और 250 के ऊपर लोगों के मृत्यु उसमें हुई, 900 के ऊपर लोग घायल है, ऐसा अंदाज बताया जा रहा है। अभी एक्चुअली फैक्ट अभी सामने नहीं आया है। एक्सीडेंट कैसा हुआ वो अलग अलग टीवी चैनल में अलग अलग विषय रखा जा रहा है, मालगाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ी या क्या हुआ, या अभी भी जो स्पष्ट जो सामने आना चाहिए वो आया नहीं है। वास्तविक है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बार बार घोषणा करते कि हमने अब लोगों के जीवितों को कवच लगा दिया, मृत्यु का कवच लगाया, ये सवाल इसमें खड़ा होता है। और एक सवाल ऐसा होता है कि सरकार ने जवाबदारी लेना चाहिए। कोई फुकट तो रेल प्रवास नहीं करते, लोग टिकट लेके प्रवास करते हैं। अपने मित्रों को जो फायदे आप देते हो, जैसे पूरी रेल अभी बेचना चालू कर दिया, मालगाड़ियाँ हो गई, पैसेंजर गाड़ियाँ भी जो अच्छी ट्रेनें हैं वो देने का काम शुरू हुआ, तो इस देश की जनता को जिन्हें आपको प्रधानमंत्री बनाया, आपको सत्ता में बिठाया, उनके उनका कवच क्या है, उनका उनकी जान बचाने का, उनको सुरक्षित रखने की भी जवाबदारी सरकार नहीं ले सकती। और इसलिए सरकार में अगर थोड़ा भी इस घटना का, क्योंकि बार बार कहते हैं कि हमने जनता को कवच दे दिया, कोई डर नहीं, इस तरह की घोषणाएं, ये घोषणा का पुलिंदा है, ये फूटा है। इसमें हम लोग राजनीति करना नहीं चाहते, लेकिन देश की तबाही जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बीजेपी कर रही है, इसके ऊपर प्रतिक्रिया देना जरूरी है। घटना क्यों हुई, अभी भी उस घटना के, क्योंकि कोई बोलते कि मालगाड़ियों के ऊपर ट्रेन चढ़ गई, और अलग अलग बात है, और मालगाड़ियाँ किसकी थी ये भी और इशू है। आज आपने देखते हो कि मालगाड़ियाँ उनके लिए कहीं पे भी रोका नहीं जाता, पूरा उनको आर के पार पैसेंजर ट्रेन पीछे रखी जाती है, ये मालगाड़ियाँ है किसकी, तो ये सवाल खड़े होते हैं इसमें। और इसलिए देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, ये जवाबदारी लेना चाहिए और सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की, रेल मंत्री नहीं ना, यहाँ तो प्रधानमंत्री कार्यालय से सब चलता है। हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री रात भर सोए नहीं, 5-5 मिनट में खबर ले रहे हैं, वहाँ पर उन्हीं का दिख रहा है। रेल मंत्री है कौन, देश का पता ही नहीं किसी को। आखिरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, तो लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री है करके देश की जनता को पता था। आज देश का कौन सा मंत्री कौन सा है किसको पता नहीं है। ये पहली बार देश की राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतंत्र की व्यवस्था में, ये पहली बार ऐसा हुआ कि देश में सिर्फ दो ही जो मंत्री है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, यही दो, बाकी तो किसी का पता ही नहीं है। इसलिए अच्छे की सब जवाबदारी अगर नरेंद्र मोदी लेते हैं तो गलती की भी जवाबदारी वही ले। और इसलिए हमारी मांग है कि अगर हिम्मत है 56 इंची में तो जवाबदारी ले और इस्तीफा दे। देखो, पैसे से जाने वापस नहीं आ सकती। आखिरी ये गलती सरकार की है, सरकार के गलत नीतियों की है। 10 लाख की घोषणा की है, इस तरह की अफवाह आ रही है, लेकिन 10 लाख और 50 लाख, 1 करोड़ से जान वापस आएगी। जिन परिवार के अगर घर के, क्योंकि बाहर निकलने वाले तो सब घर के मुखिया होते हैं, कमाने के लिए अपने घर के लोगों का पेट भरने के लिए बाहर जाते हैं, तो उसमें से कितने लोग होंगे, कितने परिवार उद्ध्वस्त हुए होंगे, इसका भी हिसाब लेना चाहिए। जैसे कोरोना में भी जिस तरह से देश में पूरा गंगा नदी को, पूरे लाशों का गंगा नदी बना के दुनिया में दिखाने का काम किया गया, कोरोना में क्या स्थिति हुई, लोगों को हजारों किलोमीटर पैदल चलवाया, कई लोग रास्ते में मरे, पानी नहीं मिला, खाने को नहीं मिला, दवा नहीं मिली, और बहुत सारे हादसे नरेंद्र मोदी के बीजेपी की सरकार में हुए हैं।
और ये सरकार बेशरम सरकार है, सत्ता के सिवा इनको कुछ नहीं, लोगों की जानों से, किसानों के भले के इनको कोई चिंता नहीं, ना युवाओं की भले की चिंता, सिर्फ जनता का पैसा लूटना, उसी से अपना जाहिरातबाजी करना, अपना खुद का प्रोपोगंडा करना, यही सरकार का एक में उद्देश्य है। और ये सरकार ये रेल रास्ते को अगर सीरियस होगी सरकार, तो ये सरकार के मुखिया जो है नरेंद्र मोदी, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।